तो गाइज देखिए हम अपने ग्राउंड में आ गए और ग्राउंड की तैयारी देखिए किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पे भी होगा बहाली 27 तारीख से, इसी के लिए पूरे ग्राउंड की तैयारी किया जा रहा है, देख सकते। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है, जाना है आज ड्यूटी पे, तो आज ड्यूटी पे जा रहे हैं। उससे पहले देखिए अभी नाइट में भी ब्लॉगिंग शुरू कर दिए हैं नाइट से, क्योंकि अभी ड्यूटी अभी जस्ट निकलना है, बिल्कुल रेडी तैयार वगैरह हो गए हैं और बच्चे लोग सारे अभी देखिए सोए हुए हैं। अगर बच्चे लोग को हम उठा देते हैं तो ये बहुत परेशानी हो जाएगी, ये सब रोने लगती है, बहुत दिक्कत होता है, इसलिए नाइट का ट्रेन से निकलते हैं कि बच्चे लोग सुबह में उठता है तो उसे पता नहीं चलता है पापा चले गए, तो फोन पे परेशान करता है। लेकिन ऐसे सोए हुए में ऐसे तो सामने में नहीं परेशान कर पाता, लेकिन बुरा भी लगता है कि जगे हुए रहता तो सबसे प्यार करके निकलते, लेकिन सोया हुआ है तो जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए मैडम क्या क्या दे रही है, ठंडी के समय है तो बहुत सारा सामान भी हो जा रहा है, ले जाने में प्रॉब्लम तो हो रही है। डायमंड तो जान गया ही है, बहुत परेशान कर रहा है, अभी तुरंत हम फ्रेश व्रेश होकर जैसे कपड़ा पहनने लगे तुरंत ही समझ गया कि निकल रहे हैं। और देखिए इधर मैडम देने रही है सारी तैयारी कर, इधर यहाँ स्लीपिंग बैग हो गया, जैकेट हो गया, बैग हो गया और कम्बल भी हो जाएगा, इतना सारे सामान जो है खाने पीने का दे रहा है घर से ही। तो क्या क्या इतना मत दो डिब्बा में, सब किस लिए दे रही है, नहीं दो उतना यार, क्या करेंगे हम, चना भूजा हटा दो, हटा तो दो, कैसे ले जाएंगे, कोची में ले जाएंगे। बाप रे बाप, हॉर्लिक्स का डब्बा भर के काजू दे दी है। और ये देखिए ये है बड़ा बादाम है, काजू काजू खोलो तो, और देखिए इतना एक काजू भरा हुआ है इसमें, और क्या है, और ये वाला और दे, नहीं नहीं बस बहुत है, वो अति गर्म होता है ना, ठीक है। और क्या है, किशमिश दे दी है, इतना खराब हो जाएगा ना, इसमें देंगे तो खुल के दे। और इसमें क्या है, इसमें इसमें खाना क्या है, ये अखरोट बोलता है ना, अखरोट है। तो देख लिए कितना सारा यहाँ से भी घर से दे रही है खाने वाला सामान सारे। और उसके बाद मेन है कि खाने वाला सामान देने का रीजन ये है ना कि इस बार जाएंगे तो हो सकता है मेरा दिसंबर में प्रमोशन ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, तो खुशी की बात है कि प्रमोशन ट्रेनिंग भी मेरा शुरू हो जाएगा। और ट्रेनिंग में होती है बहुत परेशानी, तो ट्रेनिंग में खास करके ये सब मिल रहा है कि खाने के लिए खाइए मजबूत से और ट्रेनिंग कीजिए मजबूत से, क्योंकि ट्रेनिंग पास करना है तभी प्रमोशन मिलेगा, ट्रेनिंग नहीं पास हुई तो प्रमोशन नहीं। तो बहुत खुशी है ना, ट्रेनिंग कम से कम प्रमोशन आ जाएगी, ट्रेनिंग पास कर जाएंगे, ये सब सारे चीज है। और बाकी ठंडे के कपड़ा सारा ले जा रहे हैं, तो चलते हैं। देखिए निकल चुके हैं, दोनों हाथ में सामान है एंड पीठ पे भी ताला खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अब हाजीपुर जंक्शन आ चुके हैं, देख सकते हैं ये हाजीपुर जंक्शन ही है। और उसके बाद ट्रेन का मेरा अलाउंस भी हो रहा है, तो ट्रेन लेट थी 2 घंटे, लेकिन डर था कि लेट से कब टाइम पे हो जाएगा ट्रेन पता नहीं, और वही हुआ तुरंत आधा घंटा बिफोर मतलब हो गया, टाइम कवर कर लिया। तो ये तो भाग ठीक था कि हम पहुँच गए हैं, बस पहुँच ही रहे हैं। देखिए अलाउंस कर रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, तो चलते हैं पहले 4 नंबर पे। तो देखिए बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे, और ट्रेन की हॉर्न भी जल्दी जल्दी, हमको 4 प्लेटफार्म पे सीढ़ी के द्वारा जाना है, क्योंकि प्लेटफार्म तो क्रॉस कर नहीं सकते हैं, तो बस सीढ़ी चढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी में। और ट्रेन की हॉर्न भी हो रही है और सामान भी बहुत ज़्यादा है, बहुत भाग दौड़ हो गया ट्रेन पकड़ने, लेकिन पकड़ा जाएगी, अब तो दौड़ के भी पकड़ लेंगे। क्या भी प्लेटफार्म पे आकर लग रही है, और हम भी प्लेटफार्म पे अब पहुंच गए, तो फाइनली है कि ट्रेन छूटेगी नहीं, अब तो पकड़ा ही जाएगी। थोड़ा बहुत दौड़ना पड़ा यार, क्योंकि अभी देख रहे हैं आवाज़ से पता चल रहा होगा कितना हंफ कर हम बात कर रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, फाइनली थैंक्स गॉड पकड़ा ही गया ट्रेन। तो गाइज फाइनली अपने बर्थ पे आ गए, बैठ गए हैं अब ट्रेन में, एंट्री करके बैठ भी गए हैं, अब यहाँ से सफ़र होगी। तो फिलहाल सो जाएंगे कुछ देर के लिए, और उसके बाद ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखा, लेकिन कुछ सफ़र की दिखाएंगे। तो फिलहाल तो भी देख सकते हैं वो भी इस तरह का है, सामान सारे वहाँ पर रख दिए हैं, हालांकि वहाँ बर्थ वाले कोई अगर आएंगे तो उसको हटाना होगा, नीचे एडजस्ट कर लेंगे सामान को, लेकिन फिलहाल अभी खाली है तो वहाँ पर रख दिए हैं।
और अब यहाँ से खुलती है गाड़ी तो दिखाते हैं आपको। ट्रेन यहाँ से खुल भी गई है, देख सकते हैं। तो बस धीरे धीरे ट्रेन चलती हुई। ये लिए हैं खाना, पूड़ी और सब्जी। तो गाइस इधर देख सकते हैं ज्यादा तंबाकू की खेती होता है और ये सब जाता जो खेत में दिख रहा है लगा हुआ फसल अभी तो नहीं है, गन्ने की खेती है। आगे मिलेगा आपको तंबाकू की खेती, देखिए यहाँ पे आगे। तो ये जो खेत दिख रहा है ये तंबाकू का खेती है, इसी तरह का यहाँ तंबाकू होता है। तो फाइनली आ गए अपने स्टेशन पे, यहाँ से कटिहार स्टेशन है और यहाँ से अब निकलेंगे कैंपस के लिए। तो यहाँ से कैंपस के लिए लमसम कुछ दूरी है तो ऑटो लेना पड़ेगा। तो फिलहाल तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद ऑटो लेंगे। यहाँ का स्टेशन का व्यू देख सकते हैं इस तरह का है, और उसके बाद इसी ट्रेन से भी जस्ट उतरे हैं, ये डिब्रूगढ़ तक जाएगी। तो यहाँ से निकलेगी अभी ट्रेन और उसके बाद हम निकल रहे हैं अपने रास्ते। तो यहाँ से गेट बाहर जाने का रास्ता ये है और इसी रास्ते से भी निकलेंगे जस्ट बाहर, वहाँ ऑटो मिल जाएगा, ऑटो पे बैठेंगे और निकल जाएंगे कैंपस के लिए। एक नंबर प्लेटफॉर्म और इधर से देखिए निकलने का गेट, इधर से बाहर ही आ गए। तो बाहर का इधर का भीड़, इधर का टिकट काउंटर है वहाँ पे देख रहे हैं, और इधर निकास हो गया। तो ये मेन निकास होकर के मेन गेट पे आ गए बाहर ही। तो बाहर से सीन दिखाते हैं यहाँ का कैसा व्यू है। और देखिए ये बाहर का सीन है रेलवे स्टेशन का बाहर का, उधर बाहर जो देख रहे हैं वहाँ पे रेलवे का एक डब्बा है, उसी डब्बा में रेस्टोरेंट खोल दिया गया है, जो कि डब्बा रिजेक्ट हुआ तो उसको रेस्टोरेंट बना दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है उसमें का। लेकिन वीडियो आपको बनाएंगे। और देखिए ये कटिहार जंक्शन, इसका व्यू बाहर से कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ यहाँ का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, पार्किंग टाइप का। ये लालू जी का ट्रेन बना हुआ देख सकते हैं, और वहाँ जो देख रहे हैं मेन गेट, वहाँ से मिलेगा ऑटो, इतना दूर पैदल चलना होगा। और इधर पार्किंग वगैरह देख सकते हैं, इधर पार्किंग कितना है। तो चलते हैं बाहर मेन गेट पे। फिलहाल ये रिक्शा भी बैठ गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे अपने कैंपस के लिए। फिर से 10 मिनट में पहुँचा देगा, 10 रुपये किराया है। और चलते हैं तो फिर कैंपस दिखाते हैं। तो देखिए कैंपस में आ गए, कैंपस में सारे सामान रख दिए और जल्दी जल्दी में जा रहे हैं हम अपना ऑफिस। वहाँ पर लीव सर्टिफिकेट जो है हमको जमा करना होगा, तो हमारी हाजिरी प्रेजेंटी होगा। तो अभी जल्दीबाजी में वहाँ लीव सर्टिफिकेट पहले जमा कर लेते हैं, उसके बाद बैरक में अपना लेआउट बेडशीट वगैरह सही से करके फिर करेंगे। तो ऑफिस की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं आज। तो गाइज देखिए हम अपने ग्राउंड में आ गए और ग्राउंड की तैयारी देखिए किस तरह से हो रही है। तो यहाँ पर भी होगा बहाली 27 तारीख से, इसी के लिए पूरे ग्राउंड की तैयारी किया जा रहा है। देख सकते हैं पूरे ग्राउंड दिखाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, दिखाते हैं। अभी फिलहाल हमको जाना है जल्दी जल्दी में ऑफिस, क्या करना है लीव सर्टिफिकेट जमा करना है। तो पीछे से आप देख सकते हैं ग्राउंड की, 27 तारीख से यहाँ बहाली शुरू है।